तो ये आपको पूरे का पूरा याद करना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको पूरे के पूरे आपके जो जेई और नीट का करियर है, यानी कि बेसिकली 11th और 12th का जो आपका पूरा पढ़ाई है उसमें काम आने वाली चीज है पीरियोडिक टेबल। यार सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्लियर। पर आज हम इसको करेंगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे से, न्यूमेरिक्स बना बना के याद। फाइन, मतलब हम बनाएंगे बेसिकली कहानियां, बिकॉज कहानियां याद रह जाती हैं, कहानियां लंबी याद रह जाती हैं, इसलिए हम सारे के सारे ग्रुप्स की कहानियां बनाएंगे। क्लियर। इतने तो बात हमें पता है कि इधर क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, एंड नीचे क्या होते हैं, पीरियड्स। फाइन, बेसिकली हमारे पास 7 पीरियड होते हैं एंड 18 ग्रुप्स होते हैं। क्लियर। तो अगर हम यहां पे करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, so 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड्स हैं। ये बेसिकली स्टार, यहां पे जो चीज है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां पे जो इन दोनों के बीच में जो स्टार है वो बेसिकली यहाँ ये वाली लाइन है, एंड इन दोनों के बीच में डबल स्टार है वो ये वाली लाइन है। कोई दिक्कत? टोटल हमारे पास 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स हैं। फाइन, अगर आप जल्दी जल्दी सर्च करो तो आपको कोई भी यहाँ पे यूट्यूब पे भी या जनरली गूगल पे जब हम सर्च करते हैं या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, पूरे के पूरे 118 एलिमेंट्स की स्टोरीज नहीं बनाई हुई होती। बिकॉज ये जो है, ये जो लास्ट लाइनें हैं, यानी कि 18 के बाद वाली लाइनें, यानी कि 7th पीरियड, ये बहुत बाद में डिस्कवर हुआ है, इसकी कहानी नहीं बनाई हुई होती। एंड जनरली एपिलॉग की भी कहानी की हमें बहुत कम जरूरत पड़ती है, पर आज हम 118 सारे के सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर। कोई दिक्कत? इनके बारे में स्टोरी सबसे एंड में बनाएंगे। लेट्स मूव करते हैं एक एक करके सारी की सारी कहानियों पे। आप नोट करते जाना, मेरे पास जगह नहीं है लिखने की, ठीक है ना, तो मैं सिर्फ बना रहा हूं सीधा। तो ध्यान रखिए, देखिए सबसे पहली लाइन, ये जो पहले दो का ग्रुप होता है इसको एस ब्लॉक कहते हैं, दिस इज नोन एज एस ब्लॉक। ये जो होता है दैट इज डी ब्लॉक, एंड इतना जो है ये हमारे पास क्या है, पी ब्लॉक है 13 से 18, एंड ये जो दो लाइनें हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एफ ब्लॉक है। 4 ब्लॉक है हमारे पास, पहली दो लाइंस एस ब्लॉक, पिछली 6 लाइंस पी ब्लॉक, ये जो बीच में 10 लाइंस हैं ये बेसिकली डी ब्लॉक हैं, और जो बिल्कुल नीचे की 2 लाइंस हैं इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। इज दैट थिंग क्लियर? ये तो क्लियर, अलग सिस्टम है ये तो। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रुप की कहानी लिखेंगे, हेलेना की रब से फरियाद। कहानी लिखते जाएंगे, हेलेना, ये हेलेना है, ठीक है ना, कोई ना कोई कोई लड़की है हेलेना की रब से फरियाद। लिखेंगे जल्दी से, हेलेना की रब से फरियाद। क्लियर। कोई रह गया है तो दोबारा से रिपीट करके सुनेंगे, हेलेना की रब से फरियाद। चलिए सेकंड लाइन पे चलते हैं, ये है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना, अच्छा डैड है उसका, यार मान गया है, ठीक है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना। इसको यार और बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, जैसे मैं सारे के सारे ही बता देता हूँ आपको, जो पसंद आए लिख लेना, ठीक है ना। वैसे मैं सोचा था एक एक करा देता हूँ, चलो सारे कर लेते हैं। यहाँ पे एक और भी बन रहा है, हेलेना
की रूबी से फ्रेंडशिप, एक और भी बन रहा है यहां पे हेलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है ना। अच्छा एक और भी बन रहा है हेलीना कबर से फरार, ठीक है ना, कबर से भाग गई यार, मतलब क्या कर सकते हैं अब, ठीक है ना। और यहां पे बन रहा है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, फाइन। या फिर एक और बन रहा है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, जैसे मर्जी याद कर सकते हो आप, ठीक है ना, पर 118 के 118 याद रहने चाहिए आपको। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। चलिए आगे चलते हैं, ग्रुप नंबर 13 पे चलते हैं। ये डी बाद में करेंगे, डी को हम पीरियड वाइज करेंगे, डी को हम पीरियड वाइज याद करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन कम करने के लिए मैं यहां से नंबरिंग तो हटा देता हूं, ठीक है ना। चलिए यहां पे आते हैं, दैट इज बैंगन आलू गाजर, ये तीन सब्जियां हो गई हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला, लिखते जाएंगे बैंगन आलू गाजर इन थैला। जाओ भाई बाजार जाओ, बैंगन आलू गाजर थैले में लेके आओ, बैंगन आलू गाजर इन थैला, दैट इज बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ठीक है ना, कोई दिक्कत। सबके नाम आप याद कर सकते हो, आप पीरियोडिक टेबल सर्च करिए, आपकी बुक में बना हुआ है, वहां से निकालिए। दिस इज हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीसियम फ्रांसियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंथियम बेरियम रेडियम, ठीक है ना, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, कोई दिक्कत। ये वाली लाइन बाद में याद करेंगे, ठीक है ना। ये अभी अभी डिस्कवर हुए एलिमेंट्स हैं, नोमैनिक्स चल रहे हैं, पिछले 20-20 साल पुराने नोमैनिक्स चल रहे हैं, एंड ये एलिमेंट्स, ये बंदे यार डिस्कवर अभी हुए हैं, तो इनका क्या होगा अभी, ठीक है ना। ये जो सारे का सारा पी ब्लॉक का लास्ट वाला पढ़ना है ना, ये सारा अभी डिस्कवर हुआ है, ताजा ताजा डिस्कवर हुआ। मतलब अगर ताजे ताजे की एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब मैं पढ़ा हूँ तब भी ये नहीं थे, ठीक है ना, फाइन। और मेरे को कुछ ज्यादा साल ही हुए, 12-13 साल ही हुए हैं बस, ठीक है ना, तब ये चीज नहीं थी। बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, तब ये चीज नहीं थी। इसका मतलब ये अभी अभी डिस्कवर हुए हैं, ये अभी कहानियों में आई नहीं है, पर हम बनाएंगे इनकी कहानियां, बनाएंगे बेफिक्रेंगे। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, चलिए बना, ये भी बन रहा है एक, वो थी ना धनो बैलगाड़ी इन तालाब, ठीक है ना, बैलगाड़ी इन तालाब नहाने गई है, बन गया ना एनएच नहाने, बैलगाड़ी इन तालाब, क्या डुबकी मारी, क्यों मारी, नहाने गई है, ठीक है ना। यहां आ जाते हैं अगले पे, कजन सिस्टर जी सुनाओ प्रॉब्लम, सुनाओ क्या प्रॉब्लम है भाई, आपकी कजन सिस्टर को क्या प्रॉब्लम है, कजन सिस्टर जी सुनाओ प्रॉब्लम। इसका एक और भी बन रहा है, केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, केमिस्ट्री सर ने सन की प्रॉब्लम दे दिया भाई, सब लोग हो गए हैं फेल। ये देखो एप्पल का भी बना दिया साथ में, याद रखिए जो दूसरा बना रहा हूं मैं उसमें जुड़ रहा है, ठीक है ना, जुड़ रहा है उसके साथ ही, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, एंड उस सन की प्रॉब्लम्स के कारण सब लोग पेपर में क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, दिस इज एप्पल, कोई दिक्कत। तो केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, क्लियर, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है ना। अब ये वाला 15th वाला देखो, एक और बात लिखेंगे, बोला जाता है, ठीक है ना, आप लोग सर्च करिए और बताइए मेरे को कि इसको यही नाम क्यों दिया गया है, ठीक है ना। चलिए 15th वाले आर नोन एज प्रिक्टोजेंस, अब आते हैं इनकी कहानी पे, ठीक है ना, इनकी कहानी पे आते हैं। चलिए ना पी ऐसे सबके बीच, समझ गए ना किसकी की बात हो रही है, ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है ना, ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है ना। ये आ गया है एन पी एस एस बी बी आई, समझ रहे हो ना किसकी बात हो रही है, सी टू एच फाइव ओ एच की बात हो रही है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में और कुछ नहीं बोलना है, सब कुछ केमिकल ही बोलना है, ना पी ऐसे सबके बीच, कोई दिक्कत। एंड इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे, ना पी ऐसे सबके बीच, और यहाँ पे हम कोई ब्रांड लगा देंगे, ठीक है ना, आपको जो पसंद आ रहा है। अब आपके दिमाग काफी ज्यादा चल रहा होगा कौन से ब्रांड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एम से कौन सा ब्रांड होता है, ठीक है ना, फाइन। चलिए ना पी ऐसे सबके बीच, ये हो गया है ग्रुप नंबर 15।
16 पे चलते हैं, 16 को बोला जाता है चैल्कोजंस, 16 को बोला जाता है चैल्कोजंस, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, देखो ये बहुत जबरदस्त है, ओ स्टाइल से टेपो, टेपो का मतलब पता है ना, कॉपी करो, ठीक है ना, तो स्टाइल से नकल मारो, ठीक है ना, मतलब स्मार्ट वर्क, समझ रहे हो ना, पेपर में नकल मारना जन्मसिद्ध अधिकार है बिल्कुल। तो ओ स्टाइल से टेपो, कोई दिक्कत, ओ स्टाइल से टेपो, तो ये बेसिकली बन गया है ओ स्टाइल से टेपो, कोई भी दिक्कत, तो ये आ गया हमारे पास ओ स्टाइल से टेपो, ग्रुप नंबर 16। नेक्स्ट 17 पे चलते हैं, 17 पे चलते हैं। अच्छा, इसका ना 16 का बहुत अच्छा है, अगर मैं आपको बताऊं तो, अगर किसी ने पंजाबी लिटरेचर पढ़ा है, ठीक है ना, मेरे जो जो भी स्टूडेंट पंजाब से हैं, अगर आपने पंजाबी लिटरेचर पढ़ा तो आपने सुना होगा कि हीर रांझा होता है, साहिब मिर्जा होते हैं, और जो लोग बहुत इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले हैं रोमियो जूलियट होते हैं, और वैसे ही एक पंजाबी लिटरेचर में एक बंदा होता है ही, मतलब हीर रांझा के अलावा एक होता है सस्सी पुन्नू, ठीक है ना, सस्सी और पुन्नू नाम के बंदे बड़े ज्यादा फेमस है, तो ये वो भी बन रहा है ओ सस्सी तेरा पुन्नू, ओ सस्सी तेरा पुन्नू, और ऐसे भी कह सकते हैं ओ सस्सी ते पुन्नू की लव स्टोरी, एलवी बन गया ना यहाँ पे, साथ में जुड़ रहा है, दूसरे दूसरे निमैनिक्स में ये साथ में जुड़ रहा है, क्योंकि दूसरे निमैनिक्स मैंने स्पेशली आपके लिए इसलिए बनाए हैं, सो दैट जो नए वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसके बीच में आ जाए, ठीक है ना। ओ सस्सी ते पुन्नू की लव स्टोरी, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। सो दिस इज, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, और यहां आप किसी भी आंटी का नाम लिख लीजिए, तेजस्वनी आंटी आ गई बाहर, फाइन। सो फिर कल बाहर आई आंटी, बहुत ही ज्यादा सिंपल है यार ये, तो फिर कल बाहर आई आंटी, एंड ग्रुप 17 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजंस, क्या बोलते हैं, हेलोजंस बोलते हैं ग्रुप 17 को, फिर कल बाहर आई आंटी, कोई दिक्कत। एंड ग्रुप 18 इज वन ऑफ माई फेवरेट, नोबल गैसेस बोला जाता है ग्रुप 18 को, ग्रुप 18 आर नोन एज नोबल गैसेस, ये बड़ा कूल है, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ध्यान दीजिए दोबारा से, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, लिख लेंगे ढंग से, पूरा पूरा लिखेंगे, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, एंड सब कुछ ओके है जी, सब कुछ ओके है जी। ये आखिरी बंदा है यार, देखो ये 118th एलिमेंट है, दिस इज 118th एलिमेंट, एंड इफ एवरीथिंग ओके है जी, तो ओ जी ओके जी, ठीक है ना, तो लास्ट एलिमेंट इज ओ जी, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, भाई अगर मैं नंबरिंग की बात करूं एटॉमिक नंबर में, तो दिस इज नंबर वन बंदा यार ये, ठीक है ना, और ये है नंबर थ्री, ये है नंबर 11, एंड ये है नंबर 19, और ये है नंबर 37, एंड ये है नंबर 55, एंड ये है नंबर 87, 87 से लेते हुए यहां पे 118 तक पूरा हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये जो लोग हैं ये तो बीच में आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये हो गया है, यहां तक हो गया है, और यहां तक हो गया है, ठीक है ना। सो वी आर लेफ्ट विद दिस थिंग, हम अब बेसिकली इसके बीच में रह गए हैं, हमारा डी ब्लॉक रह गया है एंड एफ ब्लॉक रह गया है, ठीक है ना, एस और पी दोनों के दोनों पूरे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना, मजा आ रहा है ना, डेफिनेटली यस। अब चलते हैं डी पे, देखो डी की पहली लाइन करने के बहुत सारे तरीके, ठीक है ना, डी की पहली लाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, शक्ति वक्र मन फिको नी कूजन,
निको निकुजा देखो। अब यार ये बेसिकली संस्कृत में एक लाइन बन गई, शक्ति विक्रमन फिको निकुजन, चाहे सीधे सीधे याद कर लो, शक्ति विक्रमन फिको निकुजन, वरना इसको करने के देखो और भी तरीके हैं, सस्ती वीसीआर, ठीक है ना यार, वीसीआर बहुत पुराने जमाने का, देखो टीवी पेनड्राइवों से पहले डीवीडी प्लेयर्स आया करते थे, डीवीडी प्लेयर से पहले वीसीआर आया करते थे, तो सस्ती वीसीआर, वीसीआर में क्या बड़ी सारी कैसेट डलती थी तब जाके मूवी चलती थी, ठीक है ना, तो सस्ती जो वीसीआर है वो तो क्या है खटारा हो जाती है अब तो, ठीक है ना, तो सस्ती वीसीआर में फिर है कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, मतलब पुर्जा पुर्जा उसका जो है वो बिखरा पड़ा है, ठीक है ना, सस्ती वीसीआर में फिर है कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ठीक है ना, तो इस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हो, सस्ती वीसीआर में फिर है कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, कोई भी दिक्कत। तो ये हो गई हमारी लाइन वन, ठीक है ना, याद रखिए ये चौथी लाइन एचवी में फोर्थ पीरियड के अंदर आती है, डी ब्लॉक की लाइन, सस्ती वीसीआर में फिरें कुमार निकल कॉपर सिंह, या फिर शक्ति विक्रमन फीको निकुजन के नाम से भी इसे याद किया जा सकता है, ठीक है ना, एक एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख के रख लीजिए, शक्ति विक्रमन फीको निकुजन तो याद हो जाएगा, एक एक बार अगर नोटबुक पे लिख के रख लेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के रख लेंगे तो याद हो जाएगा। इस पे चलते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, ये हंसी आ रही है बहुत, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, ये करेंगे यूट्रियम जर्कोनियम नायोबियम मॉलिब्डेनम, सो बेसिकली याद करेंगे सारे के सारे, ठीक है ना, टेक्नीशियम रोनियम, सो बेसिकली ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, सारे सिंबल वाइज पीरियोडिक टेबल पहले याद हो जाए, फिर धीरे धीरे करके नाम याद हो जाते हैं, पर सिंबल प्लेस ऑफ द एलिमेंट याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज प्लेस ऑफ द एलिमेंट याद है तो हम उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी बता सकते हैं, क्लियर, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तुम्हारी, रो रो कर पुकारी की चांदनी, और अगले बंदे पे चलते हैं, ला हफ्ता, ला हफ्ता, हफ्ता पता ना, हफ्ता वसूली करते हैं, ठीक है ना, ला हफ्ता, ठीक है ना, मूवीज में करती है ना ला, मतलब हफ्ता ला हफ्ता, वरना उस आयरन रोड से पिटेगा, या आयरन रोड से पिटाई और होगी, ऐसे लिख लीजिए, ला हफ्ता ला, वरना उस आयरन रोड से पिटाई और होगी, कोई दिक्कत, ला हफ्ता वरना उस आयरन रोड से पिटाई और होगी, इज दैट थिंग क्लियर, कोई दिक्कत, तो ये लिख के रखेंगे सारी की सारी लाइन को, ला हफ्ता वरना उस, दिस इज नॉट आयरन वैसे, दिस इज इरिडियम, ठीक है ना, आयरन वैसे एक्चुअली में यहाँ होता है, पर इसका नाम बन रहा है ना मैनिक्स में आयरन रॉड, ठीक है ना, कोई दिक्कत, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ला हफ्ता वरना उस आयरन रॉड से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, वरना उस आयरन रॉड से और मतलब पिटाई और होगी, ठीक है ना, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना, अब ये हमारे बेसिकली उतने हो गए हैं जितने एक्चुअली में करवाए जाते हैं, ठीक है ना, ये बेसिकली लास्ट वाले जो होते हैं वो मैक्सिमम छोड़ दिए जाते हैं, हम बेसिकली अब इनको भी याद करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे इनके नोमैनिक्स के ऊपर, ठीक है ना, लेट्स हैव इट, ये बनाते हैं तो थोड़ा सा मेरा ये डब्बा सही कर लेना इसको, फाइन, ध्यान देंगे, थोड़ी सी लाइनें बड़ी हैं पर हो जाएंगी यार, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ध्यान देंगे यहां, अरे आर डी शर्मा बुक, सबको पता है ना आर डी शर्मा यार, ठीक है ना, सबके पसीने छूटते हैं आर डी शर्मा को देख के, मैथ्स की आर डी शर्मा बिल्कुल, अरे आर डी शर्मा बुक के होते हैं मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल, अरे आर डी शर्मा बुक के होते हैं मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल, कोई दिक्कत, समझ आई ये बात, ध्यान दीजिए दोबारा से, अरे आर डी शर्मा बुक के होते हैं मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल, कोई दिक्कत, अब किसी का मानना है कि सर दो रह गए, सब कुछ हो गया दो रह गए, अरे दो कहां रह गए, ये कौन है, ये कैसे भूल सकते हो, आर जी
फाइन दिस इज अस फाइन। तो अरे आरती शर्मा बुक के होते हैं मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल तो कौन करेंगे, अरे केमिस्ट्री वाले आप जी सर भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना फाइन, कोई भी दिक्कत। ये तो यार ये शब्द थोड़ी भूलने हैं, ये शब्द तो भूलने ही नहीं है, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, एफ ब्लॉक पे चलते हैं, डी ब्लॉक की सारी कहानियां पूरी हो चुकी हैं, ठीक है ना, सारी की सारी आपको याद करनी है और झट से याद हो जाएगा सारे का सारा, अगर एक दो बार भी लिख के देखोगे ना पूरे का पूरा कहानियां याद हो जाएंगी। चलिए यहां पे चलते हैं, दैट इज सलीना और प्रीति ने डंडे से पैमी और सिमी को मारा, बनाएंगे सलीना और प्रीति ने डंडे से पैमी और सिमी को मारा, डंडा अपने आप से ले लेंगे, ठीक है ना, या फिर ऐसे लिख लो सीधा, सलीना और प्रीति ने पैमी और सिमी को मारा, डंडा भूल जाओ, बिना डंडे की मार दिया, ठीक है ना, सलीना और प्रीति ने पैमी और सिमी को डंडे से मारा, कोई भी दिक्कत, ठीक है ना। और यहां पे यूरोप गए तब डायरिया हो गया, यूरोप गए तब डायरिया हो गया, काफी बड़ी लाइन है तो छोटे छोटे नोमैनिक्स बना लिए हमने ताकि आसानी से याद हो जाए, सेलिना और प्रीति ने पैमी और सिमी को मारा और यूरोप गए तो डायरिया हो गया, यूरोप गए तब डायरिया हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे टमाटर येलो और ब्लू, टमाटर तो वैसे लाल कलर के होते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, अरे टमाटर गल गए होंगे, सड़ गए होंगे, अरे टमाटर येलो और ब्लू, सो दिस इज ई आर टी एम वाई बी एल यू, ये बन गया ब्लू बी एल यू, ठीक है ना, अरे टमाटर येलो और ब्लू, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट लाइन, दोबारा से रीड करेंगे, सेलिना और प्रीति ने पैमी और सिमी को मारा, यूरोप गए तब डायरिया हो गया, अरे टमाटर येलो और ब्लू, कोई दिक्कत। चलते हैं एफ ब्लॉक की दूसरी लाइन पे, तो ये वाली लाइन है एफ ब्लॉक की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखिए, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में, कैफे पता है ना, हाँ डेफिनेटली बिल्कुल जानता है कि नहीं, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नो लोरी गाओ, कोई दिक्कत फाइन। देखिए दोबारा से, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नो लोरी गाओ, कोई दिक्कत। सो ये बेसिकली सारे के सारे पूरे के पूरे 118 एलिमेंट्स के हमारे पास नोमैनिक्स हो गए हैं, एक मिनट में पूरी तेजी से सारे के सारे दोबारा हम लोग कवर कर लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, या हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है ना, या हेलिना कबर से परा, बेटा मांगे काश कूटे बाप राजी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है ना, दिस इज बैंगन आलू गाजर इन थैला, या बैलगाड़ी इन तालाब नहाने गई है, ठीक है ना, कजन सिस्टर जी सुनाओ प्रॉब्लम, या केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, सारे हो गए फेल, ठीक है ना, एफ एल भी आ गया है ना, पी ऐसे सबके बीच, भाई ध्यान रख थोड़ा सा, ठीक है ना, और ये क्या है, ओ स्टाइल से टेपो, ओ स्टाइल से टेपो, या ओ ससी ते पुन्नू की लव स्टोरी, कोई दिक्कत। एंड फिर कल बाहर आई आंटी तेजस्वनी, एंड हीना नीना और करीना सबका एक्सरे है रंगीन भैया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। एंड यहाँ शक्ति विक्रमण फीको निकुजन, या सस्ती बीसीआर में फिरें कुमार निकल कॉपर सिंह, ये जिंदगी नहीं, ये जिंदगी नहीं, मोहब्बत है तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, ठीक है ना, फाइन, शब्दों पे ध्यान नहीं देना है, भावनाओं पे जाना है, ठीक है ना, सो दिस इज ला हफ्ता, वरना उस आयरन रोड से पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना उस आयरन रोड से पिटाई और होगी, अरे आर डी शर्मा बुक के होते हैं मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल, इसको आप कैसे भूल सकते हो यार, ठीक है ना, अरे आर डी शर्मा बुक के होते हैं मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल, उसके आगे वाले एलिमेंट को कैसे भूल सकते हो तुम यार, ठीक है ना, चलिए आगे। सो ये हमारे पास क्या है, सेलिना और प्रीति ने पैमी और सिम्मी को मारा, यूरोप गए तो डायरिया हो गया,
और एक टमाटर येलो और ब्लू, कोई दिक्कत? एंड यहाँ थोड़े पहलवान, उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाएं मैडम नो लोरी गाएं, कोई दिक्कत? सो दिस इज द मैकेनिक्स ऑफ ऑल द पीरियोडिक टेबल, आई होप यू विल लाइक इट। एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सी लाइन, कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा जबरदस्त और सबसे ज्यादा मजेदार लगी, ठीक है ना? एंड पूरे के पूरे 118 एलिमेंट्स को याद करिए, दिस इज अवर एस ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक, बीच में है डी ब्लॉक एंड दिस इज एफ ब्लॉक, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? अपने कंप्लीट कोर्सेज के लिए हमारी किसी भी प्लेलिस्ट पे जाके आप अपना लेक्चर पढ़ सकते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूँ, लगे रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।